विकास के हाथों में है बॉल, सामने है दीपक। शुरुआत कैसी करते हैं दीपक दो पावर प्ले में, दो और जो पावर प्ले रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखना ये है कि शुरुआत कैसी होती है दीपक के द्वारा। विकास चले दीपक के लिए, अच्छी गेंद यहाँ पर घूमती हुई गेंद, चकमक आ गए, देखते रह गए आखिरी समय तक बॉल को, बल्ले को नीचे जरूर लाए थे दीपक, सुरक्षात्मक अंदाज था खेलने का, लेकिन सीधा विकेट कीपर के दास्तानों में, बल्ले के करीब से होती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दास्तानों में। चले विकास, व्हाइट बॉल का इशारा, एम्पायर बढ़ा दिया गया इनाम की राशि को, क्राउड कैच पर अनमोल फिजियोथेरेपी, अंबारी रोड दीदारगंज आजमगढ़, इसके प्रोवाइडर डॉक्टर 30 रुपए का, अगर आप क्राउड कैच लेते हैं तो। फुल टॉस गेंद थी वहां पर मौजूद है और क्या नो बॉल का इशारा आएगा जी। हाँ अच्छी गेंद यहाँ पर, जोर जोर भरे विकास की जितनी भी तारीफ की जाएगा। चले अब की बार खिलाड़ी मौजूद है, क्या कैच किया जाएगा जी हाँ, वहाँ पर कैच ड्रॉप हो गया है दीपक का, एक बड़ा जीवन दान मिलता हुआ दीपक को, अगर दीपक का कैच किया जाता लड़का सकती थी दीदारगंज की टीम, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े खिलाड़ी ने हाथों में बॉल आ गई थी, उसके बाद हाथों से बॉल ड्रॉप हो गई। वहां पर बहुत कर दिया है दीपक, मुस्कुरा रहे हैं नारी साइकिल पर खड़े होकर, और हैट्रिक सिक्स अगर दीदारगंज की तरफ से कोई भी बल्लेबाज लगाता है। पवन यादव स्वीट है बल्लेबाजी करने के लिए, विकास चले अच्छी गेंद, ये तो खेला बॉल के क्षेत्र में, उसमें खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन ये क्या फील्डिंग हो रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे उनके पास से बॉल निकली वही रुक गए और भागे भी नहीं कि वहां पर गेंद को पकड़ा जाए, और ओवर की समाप्ति ऐसा लग रहा था उनको कि मेरे पीछे भी कोई आ गया है। 45 रनों पर जीत है, रिवर का इस्तेमाल किया जा रहा है, विक्की और विकास दोनों को लाया जा रहा है और सही साबित हो रहे हैं, वहां पर खोद करके तो निकाला है, खतरे में है वहां पर दीपक, क्या दूसरा रन लेना चाहेंगे वहां पर, लेकिन नहीं मना कर दिया जो खतरे में थे। ये शशि के हाथ शशि भाई, जितने भी मैच हो रहे हैं चाहे वो सिकरो गेंद को उछाल कर खेला है, लेकिन फिर मिसफील्ड उसी प्लेयर के पास दोबारा गेंद गई, और वहां भी और प्रदीप ये भी देखिए गेंद हाथों से आने के बाद वहीं पर रुक कर रहे, दोनों कैचेस ड्रॉप किए हैं, ये देखिए वहां पर शशि मौजूद है और शशि के हाथों से बॉल छलती हुई बाहर, चार रन अब हाथों को खोलने की जरूरत है दीपक के, फुल टॉस गेंद थी, कुछ भी सही नहीं हो रहा है दीदारगंज और दीपक के लिए, और यहाँ पर मैच बड़ी आसानी से जीता जा सकता है, लेकिन दीपक अगर ये देखिए दूर से खेलने की जरूरत कोशिश की, वहां पर व्हाइट बॉल का इशारा आ रहा है और इस व्हाइट बॉल के साथ स्कोर 12 रन पर पहुंचता हुआ अंबारी रोड दीदारगंज आजमगढ़ उनकी तरफ से भी 30 रुपए के नाम, वहां पर बेहतरीन कैच शशि के द्वारा, अनुमान लाजवाब था शशि का, पीछे जगह भी थी और दीपक एक बड़ा बल्लेबाज आउट होकर वापस जाता हुआ, आपकी भाई हमने पहले ही बता दिया था।